ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का साथ दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। एक बार फिर देखने को मिली दरिंदगी की घटना। ट्रेन की चपेट में आने से छात्रा हुई गंभीर रूप से घायल। चोरों ने मोबाइल शॉप पर शटर काट कर की चोरी। अवैध स्टैंड चला रहे पिंटू राजपूत के गुर्गों ने की रिक्शा चालक की पिटाई। लगातार छापेमारी के बाद भी नहीं बंद हो रहा जुए का कारोबार। फ्लाईओवर पर दिन दहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। सरकारी जगह पर अवैध कब्जा की शिकायत करने पर महिला से हो रही बदसलूकी। एक साथ चोर को चोरी के माल के साथ किया गया गिरफ्तार। रामपुरा पुलिस द्वारा टप्पेबाजी की घटना का हुआ खुलासा। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया गया भंडाफोड़। बहन की टीसी कटाने आई युवती के साथ अध्यापिका ने की मारपीट। लुटेरों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को दिया अंजाम। क्या हुआ भैया, क्यों परेशान हो? अरे कुछ नहीं, बस डिश नहीं आ रही तो क्या करूं, घर में बैठकर बोर हो रहा हूं। अच्छा, तो फिर एक काम करो। क्या? गूगल पर जाकर www.rangtv.com डाउनलोड करो और देखो अपने मनपसंद प्रोग्राम बिना डिश केबल के। हाँ बिल्कुल भाई, बिना डिश केबल के। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ बिल्कुल, तो फिर लो मैं अभी डाउनलोड करता हूँ। अरे भैया मजा आ गया है ना। अच्छा है। हाँ भैया बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो मैं डिश और केबल सब कुछ हटवा कर यही ऐप चलाऊंगा। अब खबरें विस्तार से। औरैया में एक बार फिर देखने को मिली दरिंदगी की घटना। 4 साल की बच्ची से बैला फुसला कर किया दुष्कर्म। खून से लथपथ मासूम की हालत गंभीर। सहायल थाना क्षेत्र का पूरा मामला। आज पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की गई है। तत्काल पुलिस द्वारा घटना का संज्ञान लिया गया एवं जो घटना स्थल है वहाँ पर फील्ड यूनिट की टीम द्वारा साक्ष्य इकट्ठे किए गए। घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और जो अभियुक्त है उसको चिन्हित कर लिया गया है। जो बच्ची है उसको इलाज हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है जहां पर उसकी हालत स्थिर एवं सामान्य है और डॉक्टरों की अच्छी देखरेख उसको प्राप्त हो रही है। बच्ची के परिजन की तहरीर के आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर क्रॉसिंग पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ जाने से छात्रा हुई गंभीर रूप से घायल। रामा यूनिवर्सिटी में करती थी पढ़ाई। घायल छात्रा को रामा मेडिकल में कराया गया भर्ती। बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामा क्रॉसिंग की पूरी घटना। कानपुर में नवस्था थाना क्षेत्र के बसंत विहार चौकी क्षेत्र में देर रात चोरों ने मोबाइल शॉप पर शटर काट कर की चोरी। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। 24 घंटे चलने वाली रोड पर ताला तोड़कर घटना को अंजाम देना पुलिस गश्त की पोल खोलता है। अब देखो ये एक गिर गया, वही उठा के यहाँ से ये एक और गिरा, ये एक दर दिया। देखो इसने ये कंप्यूटर के पास जो रखा है ये दर दिया। देखो ये दो दर, तीन दर, 8-10 फोन उठाइए यहाँ से, 4 ये रख दिए और 4-5 लिए जा रहा है। एक बाहर है, एक बाहर खड़ा है, वो उसको पकड़ाता जा रहा है। नहीं चलो नहीं बाहर वाला। अरे ये पकड़े मिल जाए तो। कानपुर में अवैध स्टैंड चला रहे पिंटू राजपूत के गुर्गों ने ई रिक्शा चालक को लाठी डंडों व धारदार हथियार से पीट कर किया लहूलुहान। अवैध रूप से वसूली न देने पर दिया वारदात को अंजाम। नवस्था टेम्पो स्टैंड पर जमा रखा है अपना जबरन कब्जा। साहब बहुत गलती नहीं किया, हम सवारी भर रहे थे साहब, हमको बहुत बुरे बुरे डंडे से मारा, सर पूरा बाहर डाला। हमारा जिंदगी सब गंदी बात में, हम 200-400 रुपए कमाने के लिए जी रहे थे, हमको बहुत मारा। किस लिए मारा है? मारा किस लिए? सवारी के लिए, हमने सिर्फ 2 सवारी उस तक भर ली थी बात। उसने बहुत डंडे मारा, उसने बहुत मारा,
अब इसको वायरल करिए। मैं कानपुर में लगातार छापेमारी के बाद भी नहीं बंद हो रहा जुए का कारोबार। चकेरी के जाजमऊ क्षेत्र में खुलेआम चल रहे जुए का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। आगरा में अपराधियों के हौसले बुलंद। एतमादपुर अंतर्गत भागुपुर फ्लाईओवर पर दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक युवक को मौत के घाट उतारा। युवक को 3 गोलियां लगी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। आगरा में सरकारी जगह पर अवैध कब्जा की शिकायत करने पर महिला से की जा रही हद दर्जे की बदसलूकी। संबंधित छत्ता पुलिस की मिलीभगत से हो रहा भूमि पर अवैध कब्जा। शिकायतकर्ता पर जबरदस्ती राजीनामा लिखवाया जा रहा। इंस्पेक्टर शेर सिंह ने उल्टा हमें डराया धमकाया। मैं और मेरी मम्मी को थाने बुला के बदसलूकी की। 10 लोगों के सामने हमें जलील किया। हमारे से झूठा राजीनामा साइन कराया गया। मेरे घर के नीचे सड़क है, अब वो मेरी सड़क तक पे कब्जा कर रहे हैं। हमारा निकलना घर से मुश्किल हो गया है। इंस्पेक्टर शेर सिंह उनको पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारी इस प्रॉब्लम को अपना समझ के हमारा साथ दीजिए, कोई न्यायिक कार्रवाई कीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं थाने जाके आत्मदाह कर लूंगी। अब ये गुंडागर्दी हमसे और नहीं सही जा रही है। पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में थाना कोतवाली कोच पुलिस एक साथ एक चोर को चोरी के माल के साथ किया गया गिरफ्तार। आवश्यक विधिक कार्रवाई जारी। देखिए 5 और 6 सितंबर की रात्रि में ग्राम घुसिया में मंगल सिंह नामक व्यक्ति के यहाँ जो वादी है उनके यहाँ घर में चोरी हो गई थी, तो इस नकबजानी का भी खुलासा थाना कोंच की टीम ने किया है और उन्होंने एक चोर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी के सामान भी बरामद किए गए हैं और उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो इनके अन्य इनसे जुड़े हुए लोग होंगे उनकी भी जानकारी की जा रही है। इनका आपराधिक इतिहास भी निकाला जा रहा है। अगर इनका पुराना आपराधिक इतिहास पाया जाता है और इनकी एक्टिविटी उस तरह से पाई जाती है तो इनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाइयां भी की जाएंगी और सतत इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में थाना रामपुरा पुलिस द्वारा टप्पेबाजी की घटना का हुआ खुलासा। 2 अदद तमंचा कारतूस के साथ 2 सातिर अंतर जनपदीय टप्पेबाजों को किया गया गिरफ्तार। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही। कोतवाली औरैया पुलिस ने संचालित अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। भारी मात्रा में अवैध निर्मित अनिर्मित असलहे उपकरण बरामद करने व निर्माण करने 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार, जिसके संबंध में एसपी औरैया ने दी जानकारी। कि थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक लंबे समय से चलने वाली शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें सूचना हमारे द्वारा संकलित की जा रही है अभी कि कहां कहां और कितने समय से ये कार्यरत था और कितने लोगों को इन्होंने असला अपना बेचा है, परंतु एक व्यावसायिक रूप में ये काम कर रहे थे। पूर्व में जो इनमें से एक अभियुक्त है वो 2006 में भी शस्त्र फैक्ट्री के मुकदमे में जेल गया है, 2012 में भी शस्त्र फैक्ट्री के मुकदमे में जेल गया है। इसके साथ ही उस पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी 2011 में कार्रवाई की गई है और लगातार तब से जो सूचना इनके द्वारा बताई गई है ये शस्त्रों का निर्माण कर रहे थे, बड़ी संख्या पे करते थे, ऑन डिमांड करते थे। और इसका एक साथी है ये भी पकड़ा गया है। इसमें ये शस्त्र बनाने में एवं शस्त्रों की सप्लाई करने में इसका सहयोग करता था। जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनका नाम है राजकुमार शर्मा और शिव शंकर उर्फ कल्लू यादव और करीब दर्जन भर असले इनके पास से बरामद हुए हैं जो शस्त्र फैक्ट्री ये संचालित कर रहे थे। इसके साथ ही जो भी इक्विपमेंट यूज होता है शस्त्रों को बनाने में और जो स्प्रिंग्स यूज होती हैं, चाहे वो बैरल्स यूज होते हैं, जो अनिर्मित
तमंचे हैं वो भी इनके पास से बरामद हुए हैं। इनका कहना है कि 2 से 1 दिन में ये एक तमंचे का निर्माण कर लेते थे और जहां से ये रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं वो भी हमारे द्वारा तस्दीक किया गया है, उस पर भी आगे पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। और जो दोनों अभियुक्त हैं उनको सुसंगत धाराओं में न्यायिक अभिरक्षा में हमारे द्वारा भेजा जा रहा है। चूंकि ये एक बहुत ही संगठित तरीके से काम हो रहा था और लंबे समय से जनपद में और आसपास के जनपदों में इनके द्वारा शस्त्रों की सप्लाई की जा रही थी, तो ये जो टीम जिसने गुड वर्क किया है उसको मेरी तरफ से 15,000 रूपए का नकद इनाम की भी घोषणा की गई है। फरुखाबाद में प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका नुपुर बिश्नोई की दबंगई बहन की टीसी कटाने गई युवती के साथ अध्यापिका ने की मारपीट, युवती ने थाने में की शिकायत। फतेहगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस के साथ भी अध्यापिका ने की अभद्रता। कमालगंज क्षेत्र के खुदागंज का पूरा मामला। बेटा क्या नाम है आपका? अंजलि। क्या घटना घटी आपके साथ? हम कल खुदागंज के स्कूल में गए थे तो मेरी सिस्टर की टीसी थी तो टीसी लेने गए थे, तो मतलब हेडमास्टर बैठे थे, हेडमास्टर ने कुछ नहीं बोला, जो ये मैम थी तो मैम ने हमसे बोला कि क्या करने आई हो, तो हमने बोला कुछ नहीं मैम टीसी कटाने आए, तो मतलब मैम ने हमारे 2 तमाचे मारे और हमसे बोला सारे कैबिन के सामने अपने कपड़े उतारो, हमें बहुत मारा। आपको मारा है? क्यों मारा आपको? कुछ नहीं, हमने केवल इतना बोल दिया कि आप ऐसे मत बोलो। नहीं तो टीसी कटाने किसकी गई थी? अपनी बहन की। बहन का क्या नाम है? सुमन। किस क्लास में पढ़ती है? 5 में पढ़ती है। हाँ। नहीं तो आपने क्यों कह दिया कपड़े उतारो, किस वजह का? ओनली कुछ नहीं, मतलब चाचा की बात है। अच्छा, नहीं तो मैडम का क्या नाम है? मैडम का नाम है नकुल बिश्नोई। नकुल बिश्नोई नाम है। अच्छा, कॉलेज में पढ़ाती है? प्राथमिक विद्यालय सरकारी स्कूल है खुदागंज में है। तो टीसी आपको मिली? नहीं मिली टीसी? नहीं मिली। तो अच्छा, आपने शिकायत की पुलिस में या किसी? हर जगह की हमने। हर जगह की है? हाँ। तो वो क्या मतलब आपसे? उन्होंने पुलिस वालों के सामने हमें गालियां भी बहुत दी थी, वीडियो भी बनाया हमने। वीडियो भी बनाया? हाँ। मतलब गालियां दी आपको? हाँ। पुलिस वालों को भी उल्टा सीधा बहुत बोला। मतलब इससे पहले भी किसी और लोगों से अनशन पत्र नहीं करते? अरे वो स्कूल में हर मास्टर हेड से लेके सारे लोग डरते हैं उन मैम से, बच्चों के साथ बच्चों को बहुत मारती हैं बिन वजह। जालौन में लुटेरों ने दिनदहाड़े लूट की वारदात को दिया अंजाम, सराफा व्यापारी का नाटकीय ढंग से 2 लाख रुपए की चांदी लेकर रफू चक्कर हुए लुटेरे। उराई कोतवाली क्षेत्र के मौनी मंदिर के पास की पूरी घटना। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं, देखते रहिए बीपीएन न्यूज़।